विश्व भर में कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स भी महामारी बनता जा रहा है। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के चलते अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक अफ्रीकी देशों तक सीमित ये वायरस अब बाहर भी फैल रहा है। अफ्रीका से बाहर पाकिस्तान में भी इस वायरस से ग्रसित एक मरीज मिला है, जिसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अन्य अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक खतरा घोषित किया। WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जो WHO की तरफ से जारी की गई चेतावनी का हाई लेवल है। मंकी पॉक्स एक जूनोसिस बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है और ये एक संक्रामक रोग है जिसकी पहचान सबसे पहले साल 1970 में हुई थी। मंकी पॉक्स के दो सब वेरियंट है, CLAD 1 एंड CLAD 2। ये एक ऐसा संक्रमण है जो बंदरों से इंसानों में फैला था। इस संक्रमण का फैलाव एक से दूसरे इंसान में भी होता है और इस बीमारी का नेचर ऑफ ट्रांसमिशन प्रकृति और जानवर है। इसमें गिलहरी, गॉम्बियन पाउच वाले चूहे, डॉर्मिस, बंदरों की विभिन्न प्रजातियां और अन्य जानवर भी शामिल हैं। इस वायरस के ज्यादातर मरीज अक्सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब पाए जाते हैं और इस संक्रमण की शुरुआत भी सबसे पहले अफ्रीका से ही हुई थी। तो आइए अब नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता से जानते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स वायरस असल में है क्या। मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये फैलती है मंकी पॉक्स नाम के वायरस से और नॉर्मली एक पेनफुल रैशेस होते हैं बॉडी में और साथ में लिम्फ नोड स्वेलिंग कर जाते हैं, बुखार होता है। मैक्सिमम लोग जो है इसके वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं फुल्ली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन या सिक्योरली के, बट कुछ लोगों में ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, वेरी सीरियस या बहुत सिक पेशेंट हो सकता है। डॉक्टर DK गुप्ता ने बताया कि ये वायरस फैलता कैसे है। डॉक्टर ने बताया कि मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इस वायरस का नेचर ऑफ ट्रांसमिशन प्रकृति और जानवर है। ये वायरस ब्रोकन स्किन के द्वारा आंख, नाक, श्वसन तंत्र और मुंह में प्रवेश करता है और उन चीजों को छूने से फैल सकता है जिसका इस्तेमाल इन्फेक्टेड व्यक्ति ने किया हो। कैसे फैलता है? नॉर्मली एनिमल से फैलता है, स्पेशली रोडेंट है या मंकीज हैं, उनके द्वारा ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्लोज कॉन्टेक्ट है। जैसे बाकी बहुत सारे वायरस है ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है, स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड। डॉक्टर DK गुप्ता ने इस वायरस के सिम्टम्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे इन्फेक्टेड लोगों में एक नॉर्मल फ्लू जैसी शुरुआती लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके साथ जो सिम्टम्स है इसके, नॉर्मली हाई ग्रेड बुखार आएगा, सर दर्द होगा, बॉडी एक होगा, मसल एक होगा, ज्वाइंट एक होगा, मतलब हाथ पैरों में दर्द, सर दर्द और मसल एक होगा। और साथ में जो बहुत दो स्पेसिफिक फीचर है इसके कि एक तो लिम्फ नोड स्वेलिंग कर जाएंगे बॉडी में और साथ में इसके अलावा एक स्पेसिफिक रैशेस होते हैं जो पेनफुल रैशेस होते हैं, वो हो सकते हैं। यूजली ये माइल्ड डिजीज है, मतलब नॉर्मली क्या होता है रिकवरी पूरा फुल हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि ये वायरस आपके ऊपर कैसे अटैक करता है और किस उम्र के लोगों को अपना जल्द शिकार बना रहा है। वहीं इस वायरस से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कौन से लोग ऐसे हैं जिनको बचने की जरूरत है? जी हाँ, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको बचने की जरूरत है। किड्स छोटे हैं, 5 साल से कम बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी नॉर्मली कम होती है, उनको बचने की जरूरत है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बचने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्रीमेच्योर लेबर पेरेंट्स हो सकते हैं। जो नवजात शिशु है उसको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना। आखिर में डॉक्टर DK गुप्ता ने इस वायरस से बचाव के लिए कुछ टिप्स दिए हैं और बताया है कि हम और आप किस तरह से मंकी पॉक्स की चपेट में आने से बच सकते हैं। क्या करना चाहिए, हमें कैसे बचना चाहिए? हमें क्लोज कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए, स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं या जो लोग हैं उन लोगों को जिनको फैला हुआ है उनसे बचना चाहिए, सो दैट क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए जिससे इन्फेक्शन हम लोग को फैल जाए। जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति उनसे दूर रहें, हाइजीन अच्छा रखें, मतलब हैंड वॉश अच्छे से करना है आपको, बार बार हैंड वॉश करना है, मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें। अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, खासकर जो मेडिकल स्टाफ है उसको बहुत सारी चीजें बचने की जरूरत है, खासकर उनको मास्क लगाना है, हैंड्स में ग्लव्स पहनने हैं, और बिकॉज क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, जब कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी क्लोज कॉन्टेक्ट से बचना है, या कोई प्रोटेक्टिव गियर पहन के ही कोई प्रोसीजर या ट्रीटमेंट करना है।
वैक्सीनेशन का अवेलेबल है तो हमें वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और जो भी हेल्थ गाइडलाइंस आ रही है उनको फॉलो करना चाहिए। इन तरीकों से हम एमपॉक्स से या मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। और मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी नहीं है, बहुत सीवियर कॉन्टेजियस नहीं, बिकॉज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलती, तो बहुत चिंता वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी किसी भी बीमारी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए जैसा भी हो इसको प्रिवेंशन करने के लिए तुरंत सरकार को भी और जितने हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनको इफेक्टिव प्लान करने की, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि वो मंकी पॉक्स वायरस से अवेयर हो सके। और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव समय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।